All right, guys, election results. And now, third time, BJP is going to be in power in Haryana. Modi ji, बड़े दिनों के बाद आइयो बहनों। हमने पहले कहा था कोई भी जीते जनता का भला होना चाहिए, अब कुछ चीजें तो परमानेंटली होंगी। क्या ये फिर से पैरोल पाता रहेगा और जेल से आता जाता रहेगा? क्या होता है एक और म्यूजिक वीडियो बना दे ऐसा? वाह मोदी जी, वाह। फुल ऑन एंजॉय कर रहा होगा भाई। एंड विद दिस बाबाजी, देयर इज वन मोर पर्सन हु विल बी वेरी हैप्पी। This guy, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके हाथ से सिर्फ एक बार मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। जब बीजेपी के जीत की खबर आई होगी तो भाई साहब बहुत खुश हुए होंगे, लेकिन ज्यादा देर तक खुशी टिकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पीछे ये खबर भी आ रही होगी कि ये भी जीत गई है। Yeah, that's confirmed. And now BJP will be in power. I was just thinking कि अगला चुनाव जब आएगा और खट्टर साहब फिर से वोट देने जाएंगे तो इस बार दीवार पर क्या 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 बना होगा। एंड गोदी मीडिया भी बहुत खुश है, मतलब एंकर जलेबी ले लेके डांस कर रहे हैं। ये बीजेपी की जीत के बाद चित्रा जी का थंबनेल तो चेक करो, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। अच्छा, हमें नहीं लिखा आपने, पर हम यहां पर सवाल ये पूछना चाहते हैं कि हमारे एग्जिट पोल्स इतने घटिया क्यों होते चले जा रहे हैं? सी द कॉन्फिडेंस ऑन एग्जिट पोल वॉज सो हाई, इवन दिस गाय, Yes, our own Gullu was trolling BJP. 12:30 तक अशोक तंवर आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 वो राहुल गांधी की रैली में जाके शामिल हो गया, आप बताइए। एक्चुअली गुल्लू इन नेताजी के बारे में बात कर रहा था। जस्ट लिसन टू गुल्लू। देखिए, कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति। आप बोल रहे हैं ये? सुनिए, बिंगो, ये शहजाद पूनावाला खुद दूसरी पार्टी से आया। ग्रेट गुल्लू, ग्रेट। पर अब रिजल्ट आने के बाद तेरा क्या होगा गुल्लू? उसने आपका नमक का है जिगरा भाई। सी, गुल्लू का अपनी पार्टी अगेंस्ट जाना एक बहुत बड़ा साइन है। फस गया आजा। फर्स्ट टाइम एवर आई गॉट टू नो कि गुल्लू भी किसी को फंसा सकता है, और ना गुल्लू हमेशा फंस जाता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। सच में बहुत हैरत की बात है। और अब मानो ना मानो, ये थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जो इनमें आ रहा था ना, वो एग्जिट पोल्स की वजह से आ रहा था। इस गुल्लू को मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि नाक में नकेल कैसे डाल। वो बैलों के डालते हैं चिकरा भाई, ये तो गुल्लू है। अच्छा, और पर्पल पूसी। मैं कहता हूँ इससे एक लाइफ लेसन मिला है। क्या? ये बंदा देश का भविष्य बदल सकता है, आपका भी बदल सकता है। कैसे? पूछो। कैसे? कुछ भी इससे पूछो, ये जो भी आंसर दे उसका उल्टा करो। सक्सेस गारंटी। सही है चिकरा भाई। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मॉर्निंग, द एंटायर गोदी मीडिया वाज सो साइलेंट। दलाल, ये लोग बोल तो रहे थे लेकिन दिल से नहीं बोल पा रहे थे। सुबह जब रिजल्ट आ रहे थे और कांग्रेस आगे चल रही थी, सबके चेहरे लटके हुए थे। अंजना जी इधर देखिए। हाँ हाँ। ये तो मतलब बात ही नहीं करना चाह रही थी किसी से। पर एकदम श्रिंक करते हुए सिमटती हुई 15 पर पहुंच रही है वांछ। सारी उम्र में जो। लेकिन जैसे ही बीजेपी आ गई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ हाँ, खुशी देखो आप। बट हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाई द एग्जिट पोल्स ऑफ अवर कंट्री आर गोइंग सो रॉन्ग? यू नो, एग्जिट पोल्स आर इंपॉर्टेंट, यू कैन प्रेडिक्ट सो मेनी थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग इन अदर कंट्रीज। इफ यू रिमेंबर यूके's इलेक्शन, द एग्जिट पोल वॉज सो एक्यूरेट। एक हमारे हालत देखो, पर्पल पूसी। यू नो, देयर इज अ प्रोसेस इन एग्जिट पोल। पहले किसी भी जगह पे जहां एग्जिट पोल लेने, वहां की डाइवर्सिटी को समझा जाता है, अलग अलग जगहों पे जाके सैंपलिंग की जाती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड सैंपलिंग। फिर क्वेश्चनियर्स लेके जाया जाता है, वोटर्स जिन्होंने वोट किया है उनके बारे में पूछते हैं, उनकी डेमोग्राफी के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चनियर फिल किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को एनालिस किया जाता है, और फिर उन सबके बाद प्रिडिक्शन दी जाती है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, प्रिडिक्शन पहले दे दी जाती है, वो भी पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ। आई मीन जस्ट चेक आउट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पल पूसी। कांग्रेस के लिए जो सीटों की रेंज है 53 से 65, मुझे ऐसा लग रहा है 5 सीटों का उस रेंज में और इजाफा हो जाना चाहिए। जस्ट लीव एवरीथिंग, व्हेन यू वर सेइंग दिस थिंग इन द बिगनिंग, जस्ट लुक एट मोदी जी'स फेस, ही वाज सो एंग्री। घुस कर मारेंगे। एंड वन मोर थिंग, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ये मोदी जी के इतनी सारी तस्वीरें, 1 2 3 4,
ये इंडिया टीवी का स्टूडियो या मोदी जी का घर? अपा पापा पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। When he was giving this statement, this false statement with so much of confidence, look at the face of that girl also. You know she must be thinking. ये पर्पल पूसी मरवाएगा। सोचो कि कहाँ फंस गई मैं। But just listen to him and check out his confidence. आज का रिजल्ट आया आपको पता है? ये बोल रहा था कि कांग्रेस का 58 से 70 के बीच आने वाला है और 58 से 70 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। और ये बात कहते हुए इस पर्पल पूसी को क्या पता था कि पिछली बार की तरह इस बार भी इसका फुद्दू खींचने वाला है। दोनों बात ये 70 भी हो सकती है। नो बिकॉज ही वाज सेइंग द सीट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी विल कम बिटवीन दिस नंबर एंड हाउ मेनी केम 38 this much. You know, in general election he gave his exit poll and he was like ki BJP ke 400 ke aas paas aa jayenge. Congress walon ne bahut gaaliyan di thi. Uske baad shayad isne ye socha kya ki yaar ye wala exit poll jo maine general election mein diya tha uski wajah se Congress walon ne bahut gaaliyan di thi, is baar main aisa exit poll dunga ki Congress wale mujhe gaaliyan nahi denge. Aur result aane ke baad Congress wale pichli baar result aane ke baad BJP wale de rahe the. Bahut mushkil life hai bhai ki. But in both the elections, whether this party will win or that party will win, but this guy is a permanent loser. Sorry to say that. Please stop this nonsense. And everybody knows it that you are doing this nonsense for the sake of TRP. और वो चैनल वालों को मिल जाती है, मोटा पैसा छापते हैं और ये भाई साहब हर बार गाली गाते हैं. But let me give you how you can get the exit poll right. मैं बता सकता हूँ कैसे हो सकते हैं. एक मिनट, आप ये सोच रहे हो मैं बाबा को दिखाऊंगा? अब बताओ. नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, कम ऑन, हर बार वही थोड़ी होता है. अब बताएं. इफ एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, इफ यू हैव द डेटा ऑफ कास्ट सेंसस. नो बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस का डेटा होता है तो ये डेटा बहुत हेल्प करता है सैंपलिंग में. ये और अच्छे समझ में आएगा इस डायग्राम से. हर जगह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में से एक को सिलेक्ट करके क्वेश्चनियर देना और एग्जैक्ट डेटा को लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है. और दूसरी बात, ये एग्जिट पोल हमारे देश में और ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो रहे हैं, न्यूज चैनल वाले ये देखते हैं कि क्या बोलने से टीआरपी ज्यादा आएगी. बस दलाल. सो यार गाइस, गोदी मीडिया विल ऑलवेज रिमेन सेम. हमने तो ये कहा था, चाहे कोई भी पार्टी जीते, जनता का भला होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, किसी पर हो जाए कि तुम चाहे जीतो या हारो, कि तुम चाहे जीतो या हारो, पर रेपिस को तो बाहर मत निकालो. I'm still thinking, तीसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनने जा रही है. आगे जब चुनाव हुए और खट्टर साहब वोट करने गए तो इस दीवार पर और क्या बना हो सकता है? नो, कंट्रोल योर इमेजिनेशन. मर्यादा रखते हुए जवाब दे सकते हैं और थोड़ी मर्यादा रखते हुए लाइक भी कर सकते हैं. इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन. लव यू 3000. थैंक यू सो मच. तो करना आप बताएं.